नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अरबों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक सनसनीखेज कांड सामने आया है। जेल में पैसे के बल पर ऐशो आराम हासिल करने के लिए कुख्यात सुकेश ने एक बार फिर से जेल के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जेल के अंदर से बॉलीवुड एक्ट्रेस को फोन पर मैसेज भेजा। आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और आज का हमारा पहला सवाल है कि जैकलिन और सुकेश केस में क्या आया है नया ट्विस्ट। दरअसल सुकेश ने जैकलिन पर पेशे के दौरान ब्लैक सूट पहनकर आने की गुजारिश की। जब जैकलिन ने सुकेश के मैसेज को नजरअंदाज किया तो उसने जैकलिन को वॉइस मैसेज भी भेजा। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और सनसनीखेज कांड सामने आया है। जेल से बैठकर ही 500 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाले सुकेश ने एक और गुनाह किया है। सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को जेल से बैठकर दर्जनों मैसेज किए हैं। सुकेश ने जेल के अंदर से व्हाट्सएप पर जैकलिन को न केवल मैसेज भेजा बल्कि उसने जैकलिन के सामने ऐसी डिमांड रखी जिससे वो परेशान हो गई। गुड न्यूज टुडे के पास सुकेश की तरफ से जैकलिन को भेजे गए मैसेज के सबूत मौजूद हैं। इस मैसेज में सुकेश ने जैकलिन से गुजारिश की है कि वो पेशी के दौरान ब्लैक कुर्ता पहनकर आए। 30 जून को जैकलिन को भेजे गए मैसेज में सुकेश ने लिखा, बेबी इस महीने की 6 तारीख हम लोगों की कोर्ट की तारीख है और अगर तुम्हें इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए तो प्लीज ब्लैक कुर्ता या कोई भी काली चीज जरूर पहनना जिससे मुझे ये पता चल सके कि तुम मेरे सारे मैसेजेस को देख रही हो। लेकिन जब जैकलिन ने सुकेश की गुजारिश को नजरअंदाज किया और उसके कहने पर भी जब कोर्ट की सुनवाई में वो ब्लैक कुर्ता पहनकर नहीं आई तो सुकेश भड़क गया। उसने एक बार फिर से नाराज होकर जैकलिन को मैसेज किया, बेबी देखकर बहुत दुख हुआ कि तुमने उस रोज अदालत की सुनवाई के दौरान कुछ भी काला नहीं पहना था। बेबी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। भाग जाने या मुझसे बचने के किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, यह तो होकर रहेगा। एक तरफ कोर्ट की सुनवाई चल रही थी जिसमें जैकलिन और सुकेश दोनों शामिल होते थे। उसी दौरान सुकेश जैकलिन को बकायदा मैसेज भेज कर कहता था कि तुम कोर्ट की सुनवाई के दिन ब्लैक कलर की सूट पहनकर आना। जब जैकलिन ने ब्लैक कलर की शूट पहनने से इनकार किया और पेशी में आई उसके बाद सुकेश काफी ज्यादा नाराज हो गया। दोबारा मैसेज भेजता है कि तुमने मुझे हर्ट किया। सुकेश यही नहीं रुका। दिल्ली के तिहाड़ और उसके बाद मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर लगातार जैकलिन को एक के बाद एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता रहा। जब जैकलिन ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो सुकेश ने जैकलिन को ऑडियो मैसेज भी भेजे। ऐसे ही एक ऑडियो मैसेज में सुकेश ने जैकलिन को कहा कि अदालत की पेशी वीडियो कॉल पर है, प्लीज कोई भी रंग का बहुरंगी कुर्ता या बिना किसी डिजाइन की सादा सफेद शर्ट पहनना। मुझे मालूम है कि तुमने ये मैसेज देखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुकेश जेल से लगातार जैकलिन को अपने प्यार का इजहार करते हुए मैसेज करता रहा लेकिन जैकलिन ने मैसेज को इग्नोर करना जारी रखा तो सुकेश उसे धमकाने पर उतर आया। जेल के अंदर से महाठग सुकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस को मैसेज भेजने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था वो देखने में भारत के बाहर के नंबर लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुकेश ने वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया जो इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक मैसेज वो जैकलिन को भेजता रहा। वहीं जैकलिन इसके बाद भी जब सुकेश के संदेशों को नजरअंदाज करती रही तो सुकेश कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही जैकलिन को मैसेज करने लगा। सुकेश वेबएक्स चैट रूम में ही मैसेज करने लगा, बेबी मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे मुझे ही तकलीफ हो रही है और इसमें कुछ बात है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सुकेश ने जैकलिन की मर्जी के खिलाफ उसको मैसेज तो भेजे ही, साथ ही उसने एक बार फिर से जेल के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल किया। लिहाजा अदालत ने पुलिस और जेल प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सुकेश जेल से ही जैकलिन के नंबर पर लगातार मैसेज भेजता रहा। जब जैकलिन ने सुकेश के मैसेज को इग्नोर करने की कोशिश की तो सुकेश जैकलिन को धमकाने वाले मोड में आ गया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि जेल में बंद सुकेश से परेशान होकर जैकलिन ने क्या शिकायत की। दरअसल सुकेश के मैसेज से आजिज आ गई जैकलिन ने न केवल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में सुकेश की शिकायत की बल्कि अदालत में भी उन्होंने सुकेश के खिलाफ गुहार लगाई है। अरबों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर दावा करता रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ उसके करीबी संबंध रहे हैं। जेल में बंद रहने के बावजूद सुकेश समय समय पर जैकलिन को चिट्ठी लिखकर अपने प्यार का इजहार करता रहा, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वो जैकलिन को केवल पत्र ही नहीं लिखता था बल्कि जेल में बैठकर मोबाइल से उसको मैसेज भी करता था। जेल के कायदे कानून की परवाह किए बिना सुकेश ने जैकलिन को मोबाइल से धुआंधार मैसेज किए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहते जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। इस मामले में उसके साथ जेल के जो अधिकारी शामिल थे उनमें से तकरीबन 100 से ज्यादा अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। बावजूद इसके सुकेश चंद्रशेखर जेल में पैसा फेंक कर एक के बाद एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है और वहां से अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। जेल से जैकलिन को सुकेश को अलग अलग तरीकों से मैसेज भेजे गए। कभी उसने जैकलिन से मनपसंद कपड़े पहनकर आने की गुजारिश की तो कभी उसने जैकलिन को फिल्म दिलवाने का लालच दिया और कभी उसने मैसेज भेजकर सोशल मीडिया ट्रोलर्स से परेशान जैकलिन का हौसला भी बढ़ाया। गुड न्यूज टुडे को मिले सुकेश का ये मैसेज देखिए। 30 जून को भेजे गए इस मैसेज में सुकेश ने जैकलिन का हौसला बढ़ाया था। व्हाट्सएप पर सुकेश ने जैकलिन को मैसेज भेजकर ट्रोल से परेशान नहीं होने को कहा। सुकेश ने जैकलिन को मैसेज में कहा, बेबी मैं जानता हूँ तुम अपने नाम में एक एक्स्ट्रा ई जोड़ने के बारे में कुछ ट्रोल से बेहद परेशान हो, लेकिन इस बात से तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये ट्रोल्स बकवास हैं। तुम तो मेरे सपनों की रानी हो, राजकुमारी हो, रॉक स्टार हो और सुपर स्टार बनने जा रही हो। सुकेश के संदेशों को नजरअंदाज करती रही जैकलिन को सुकेश ने फिल्म दिलवाने की डील का मैसेज देकर मनाने की कोशिश की। उसने व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया, अगले कुछ हफ्तों में लव रंजन एक फिल्म के लिए आपसे संपर्क करेंगे। मैंने उनके साथ डील कर ली है। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन डील हो सकती है बेबी, और लिलीज आई के साथ मेरी बेबी गर्ल की ओर से यह तोहफा है। तुमको मैंने एक संदेश कार्ड भेजा था, उम्मीद है पसंद आया होगा और आशा है कि तुमने उसे देखा होगा। सुकेश के संदेशों से आजिज आकर जैकलिन ने सुकेश के खिलाफ EOW में शिकायत दर्ज करवाई। जेल में बंद सुकेश की इस हरकत से जैकलिन की परेशानी तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली में हाई प्रोफाइल जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुकेश के संदेशे पर आपत्ति जताते हुए जब जैकलिन कोर्ट पहुंची तो सुकेश ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है कि जैकलिन के आरोपों पर सुकेश ने क्या दावे किए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा है कि जैकलिन का यह कहना बिल्कुल सही नहीं है, जिसमें उसने बोला कि वो तो गिफ्ट और ये सारी चीजें इसलिए ले रही थी, नाता इसलिए बना कर रखा था क्योंकि वो उसके आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती थी। इस पर सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो जब इस मामले में गिरफ्तार हुए, इसके बाद जब वो पैरोल पर या फिर जब वो पुलिस कस्टडी में कई बार अंतरिम जमानत पर बाहर निकले
तो जैकलिन उनसे मिलने भी आती थी। आखिर जब पता नहीं था तो ये सारे नाते रिश्ते कैसे चल रहे थे? इनका ये कहना है कि इससे फायदा उठाने के लिए जैकलिन ने सारे नाते रिश्ते रखे, लेकिन जब उसे लगा कि अब इसमें कोई मतलब मकसद सॉल्व नहीं होने वाला है, कोई मतलब हल नहीं होने वाला है, तो जैकलिन ने इस तरह की चीजें लिखी हैं। सुकेश ने अर्जी लगाकर जैकलिन के उन दावों का खंडन किया जो उसने अदालत के सामने खुद को राहत दिलाने के लिए किया था। उसने जांच एजेंसी के द्वारा जैकलिन को गवाह बनाए जाने पर आपत्ति जताई। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये है कि सुकेश ने जैकलिन को गवाह बनाए जाने पर क्यों आपत्ति की है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी चर्चा में है, जिस चिट्ठी में उन्होंने अपनी पुरानी कथित प्रेमिका जैकलिन फर्नांडिस के आरोपों का तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। तुर्की बतुर्की मतलब पॉइंट वाइज। सुकेश चंद्रशेखर ने अदालत को लिखी अपनी चिट्ठी में यह कहा है कि जैकलिन फर्नांडिस का यह दावा बिल्कुल सही नहीं है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो तो इस मामले में अभियुक्त नहीं बल्कि गवाह है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पहले ईडी ने जैकलिन को इस पूरे मामले में पीएमएलए से जुड़े मामले में आरोपी बनाया है, उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से इसे गवाह बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैकलिन ने कई बार उससे ये कहा है और इस बारे में उन्होंने अदालत को यह सूचित भी किया था, जिसमें जैकलिन ने उनसे ये कहा था कि उनके समाज में छवि को देखते हुए, उनकी मर्यादा और गरिमा को देखते हुए सुकेश ऐसे बयान जारी करें उन बयानों से, ताकि वो अपनी छवि, अपना चेहरा, अपनी छवि बचा सके। जैकलिन को लेकर जेल में बंद सुकेश पहले भी कई दावे करता आया है। सुकेश के दावे के मुताबिक जैकलिन उसकी प्रेमिका है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में हमारा अगला और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन का नाम आखिर आया कैसे? दरअसल सुकेश के ठगी मामले की जांच के दौरान सुकेश और जैकलिन के कनेक्शन के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला और उसके बाद जैकलिन का नाम सामने आया। सुकेश के महाठगी के जाल की जांच जब ईडी के पास पहुंची तो ईडी ने अलग अलग तरीके से जांच की, उसके मोबाइल डिटेल्स को खंगाला, जिसमें जैकलिन का नाम सामने आया। जांच में ये सामने आया कि सुकेश ने चीटिंग से, ठगी से जो पैसे कमाए थे, उन पैसों से महंगे महंगे गिफ्ट जैकलिन फर्नांडिस को दिए। ईडी का आरोप है कि जैकलिन जानती थी सुकेश जेल में बंद है, वो एक बड़ा चीटर है, उसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से जो सुकेश ने कमाई की थी वो जैकलिन को बतौर गिफ्ट दिया। ऐसे में ईडी का आरोप था कि जैकलिन जानते हुए भी कि सुकेश एक महाठग है, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहा है, उन्होंने गिफ्ट लिया, इसलिए ईडी ने जैकलिन को भी उस मामले में आरोपी बनाया है। जेल में बैठकर न केवल सुकेश जैकलिन को व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा था बल्कि वो जेल से विदेशी नंबरों से भी जैकलिन को मैसेज करने में कामयाब रहा। इससे पहले भी सुकेश के सेल से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि जेल नियमों की धज्जियां उड़ाकर जैकलिन से कैसे संपर्क करता रहा सुकेश? दरअसल जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुकेश ने जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य कायम कर रखा था, लिहाजा जब मामले का खुलासा हुआ तो कई जेल अधिकारियों पर गाज गिर गई। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में सलाखों के पीछे बैठे बैठे ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे ये साफ है कि वो जेल नियमों और कानून को अपनी जूते की नोक पर रखता है। जेल में फोन का इस्तेमाल करने वाला सुकेश इससे पहले भी जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा है। जेल में बैठकर अपनी ठगी का मायावी जाल फैलाने वाले सुकेश के लिए जेल के कायदे कानून उस पर कभी बंदिश नहीं लगा सके। जेल में इससे पहले भी उसकी हरकतों से जेल सुरक्षा की खोखली तस्वीर की पोल खुलती नजर आई है। इसी साल फरवरी में जब मंडोली जेल में छापेमारी की गई तो सुकेश के पास से गुची की चप्पल मिली थी जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। साथ ही दो जींस बरामद हुई जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई गई। इसके अलावा भी जो सामान उसके सेल से मिला था वो लाखों रुपए का था, जिसे देखकर जेल अधिकारी भी हैरान रह गए थे। जेल के सिस्टम का मजाक बनाना सुकेश के लिए कोई नई बात नहीं है।
जेल में रहते हुए ही उसने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। सुकेश की वजह से जेल के तकरीबन 100 से ज्यादा स्टाफ या तो सस्पेंड हो चुके हैं और उनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके सुकेश जेल में बकायदा मोबाइल चलाता है और विदेशी नंबरों से लगातार जैकलीन को वो मैसेज भेज रहा था। साल 2022 में रिश्वत कांड का खुलासा होने के बाद ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत देकर खूब मजा किया था, लेकिन सुकेश की करतूतें सामने आने पर जेल के कई अफसर और कर्मचारी नाप दिए गए थे। जेल में बंद सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए स्नूफिंग कॉल के जरिए मंत्री बनकर कई लोगों को फोन किया, एक नामी बिजनेसमैन की पत्नी को फोन किया जिनके पति जेल में बंद थे, जेल से छुड़वाने का उसने दावा किया और केस खत्म करने का दावा किया और उसकी एवज में बिजनेसमैन की पत्नी से तकरीबन 200 करोड़ ले लिए। इस मामले में जेल के अधिकारी भी सुकेश के साथ शामिल थे। जांच के बाद जेल के कई अधिकारियों पर गाज गिरी। कहते हैं कि सुकेश के सेल में न सिर्फ ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी, बल्कि सेल की असली तस्वीरें कभी बाहर न आ सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के सामने पर्दे तक लगा दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जेल में चलता उसका ये तिलिस्म टूट गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। दिल्ली से अरविंद धोजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुकेश चंद्रशेखर वो नटवरलाल है जिसने जेल में बैठे बैठे ही कई लोगों को चूना लगा दिया। जेल में अपने माया जाल से उसने कई लोगों के करोड़ों रुपए डकार लिए। हमारा सातवां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पर क्या क्या आरोप है, इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। जेल में बंद सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए स्नूफिंग कॉल के जरिए मंत्री बनकर कई लोगों को फोन किया, एक नामी बिजनेसमैन की पत्नी को फोन किया जिनके पति जेल में बंद थे, जेल से छुड़वाने का उसने दावा किया और केस खत्म करने का दावा किया और उसकी एवज में बिजनेसमैन की पत्नी से तकरीबन 200 करोड़ ले लिए। इस मामले में जेल के अधिकारी भी सुकेश के साथ शामिल थे। जांच के बाद जेल के कई अधिकारियों पर गाज गिरी, कई गिरफ्तार हुए। सुकेश पहले भी ठगी के कई आरोपों में दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार हो चुका है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर मकोका भी लगाया हुआ। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली।